रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कितने बार चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए, बहन बेटियों के बलात्कार, ये होते हैं इनके चमत्कार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, समझे नहीं, कहीं नहीं है शिष्टाचार, ये आतंकवादी देशद्रोही तो खुद है। जब इसकी औकात उसको पता चलेगी तब ये भारत माता की जय भी बोलेगा, वंदे मातरम भी कहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहेगा और गौ माता का गौमूत्र भी पिएगा। गाय गंगा मूत के नाम पे दंगे पंगे कौन करा रहा है, समझे, इसकी तब किसी का ध्यान नहीं है, देश की मेन चीजों पे किसी का ध्यान नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक इंडियन फौजी जो कि हिंदुओं की असलियत, जो कट्टर हिंदू हैं उनकी असलियत जो है वो सामने रखता है कि किस तरह कभी गाय के नाम पर और किस तरह कभी हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर और किस तरह कभी जिहाद का मुद्दा उठाकर और किस तरह जो है वो कभी मीट गोश्त के बारे में बातें कर कर जो है वो हिंदुओं को भड़काया जाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो ये जब असलियत बताई एक हिंदू फौजी ने तो उसके जवाब में एक और हिंदू फौजी ने उनका क्या रिप्लाई दिया, ये दोनों की कन्वर्सेशन देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। अरे जो सनातन मिट न सका रावण की हुंकार से, जो सनातन मिट न सका कंस की तलवार से। अच्छा आपको हिंदू हिंदू है कौन, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको हिंदू से नहीं करते। हिंदू है कौन इस देश में, मैं 50 बार कह चुका हूँ भाई, 85% SC OBC हैं, फिर जैन है, आप क्या चाहते हैं। बात तो सही है। तब इसकी औकात उसको पता चलेगी तब ये भारत माता की जय भी बोलेगा, वंदे मातरम भी कहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहेगा और गौ माता का गौमूत्र भी पिएगा। ये गौमूत्र भी पिएगा। ये आपकी औकात बता रहा हूँ सर। गाय गंगा मूत के नाम पे दंगे पंगे कौन करा रहा है, समझे, इसकी तब किसी का ध्यान नहीं है, देश की मेन चीजों पे किसी का ध्यान नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कितने बार चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए, बहन बेटियों के बलात्कार, ये होते हैं इनके चमत्कार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, समझे नहीं, कहीं नहीं है शिष्टाचार, ये आतंकवादी देशद्रोही तो खुद है। पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम को आप स्वीकार करें। किशनगंज की पावन धरती पे आप आए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम है मनीष कुमार जालान, मेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री है और उसमें हम 3 पार्टनर हैं, एक मुस्लिम पार्टनर भी उसमें है, मेरा बिजनेस 18 साल से उनके साथ है। कभी धर्म के कारण कभी कोई कंट्रावर्सी हमारे बीच में नहीं आई है और भगवान के आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि आगे भी नहीं आएगा। मेरा प्रश्न आपसे है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या समानता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन। भाई साहब का सवाल है कि उसकी प्लाईवुड की फैक्ट्री है, 3 पार्टनर, 1 पार्टनर मुसलमान है, कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं है और इंशाल्लाह नहीं आएंगी। उनका सवाल है का सनातन धर्म और इस्लाम में क्या यकसानियत है, वो जानना चाहते हैं। हिंदू मजहब की सबसे अहम किताब है वेदा, दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म को और आम किया, वो सही कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद, वेद सबसे ऊंची किताब है। स्मृति और श्रुति, श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से, स्मृति मतलब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। तो सनातन धर्म के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक भी आप देखेंगे दोनों में खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में जो लिखा है वो यकसा है। आप जो पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है संस्कृत में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है स्वतः सतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, कि उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं, उसका कोई वालदेन है कोई वालदा है। लिखा है स्वतः सतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। तो लिखा है उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। आगे जब आप पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें कुरान में भी लिखी, मैं उसके ऊपर आऊँगा। ये है ईश्वर के बारे में जो लिखा गया है। उसी तरीके से आप आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 और 9 में,
उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असंबुद्धि उपास्ते। अंधात्म मित अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना, अंधात्म प्रविशंति या असंबुद्धि उपास्ते, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंबुद्धि की पूजा करते। असंबुद्धि मतलब नेचुरल थिंग्स लाइक हवा, पानी, आग, जो नेचुरल थिंग की पूजा करते हैं जैसे हवा, पानी, आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे। और वो श्लोक का कंटिन्यू होता है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे जो संभूति की पूजा करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, आइडल, मूर्ति, इसकी पूजा करेंगे तो और घोर अंधकार में दाखिल होंगे। और लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 1 हिम्न नंबर 164 वर्स नंबर 46, एक कम सत्य विप्र बहुधा विदान्ते। सत्य एक है, खुदा एक है, एक कम सत्य विप्र बहुधा विदान्ते। लोग, विद्वान लोग उस ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते। यही चीज लिखा है कुरान में जो मैंने जिक्र किया हूं, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह विद रहमान अयमतदु फलाउस्मान उस्ना। चाहे कहो अल्लाह या रहमान, उसे अच्छे नाम से पुकारो क्योंकि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं। लेकिन ऐसी कई मिसाल दी गई, ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद जिल्द नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को, ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को। हमें कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके चार सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं, क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 हिम नंबर 46 श्लोक नंबर 16 में, या एक मुष्टि ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है, एक कम ब्राह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ति किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की, अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 104, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफ्वन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये चार लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में सूरह इखलास सूरह नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफ्वन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर कोई भी चीज को आप कहते हैं खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अगर ये चार लाइन के डेफिनेशन में उतरता है, हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है, कि वो खुदा है। तो ये सनातन धर्म के खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, हूबहू मिलता है कुरान मजीद से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।